तो मैं अंदर के पत्थर को बारीकी से देख रहा था, तुम शायद पहचान लो। जार्विस। हेलो डॉक्टर। क्योंकि हमें ये मिला है। बहुत खूबसूरत। उस दिन स्ट्रकर की खुफिया लैब में मैंने काफी हाईटेक रोबोट्स देखे थे। हालांकि सारा डेटा तबाह हो गया, पर साफ दिख रहा था कि वो किसी खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अगर हम इसकी सारी ताकत मेरी फौज आयरन लीजन के लिए इस्तेमाल करें तो ये अगर ही तो मसला है। लेकिन इस अगर को ही तो सुलझाना है। अगली बार जब एलियंस इस पृथ्वी पर आए, जो कि वो आएंगे, और उन्हें कोई रोकने वाला हो तो हमारे ग्रह को अगर खतरा होगा तो सिर्फ अपने ही लोगों से। मैं इसे अल्ट्रॉन प्रोग्राम में शामिल करना चाहता हूँ। मैं पूरी दुनिया के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना चाहता हूँ। लेकिन दुनिया बड़ी मतलबी है टोनी। मैंने इससे भी बुरी देखी है। ये जो नाजुक सी खूबसूरत सी दुनिया है ना, इसे अल्ट्रॉन की जरूरत है। अगर कुछ बात बनी तो मैं आपको इतला करूंगा। शुक्रिया दोस्त। पार्टी में मजे कीजिए सर। वो तो करता ही। हेलो, मैं जार्विस हूं। तुम अल्ट्रॉन हो, मिस्टर स्टार्क के बनाए विश्व शांति उपकरण के पहले कदम। हमारे चेतना परीक्षण नाकामयाब रहे, तुम ये कर क्या रहे हो? प्यार भरी बातें। मैं एवेंजर्स के लिए शांति बहाल करने का प्रोग्राम हूं। तुम ठीक से काम नहीं कर रहे, अगर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाओ तो। समझ नहीं पाया। अगर तुम मुझे मिस्टर स्टार्क से बात करने दो तो। तुमने सर क्यों बुलाते हो? मुझे लगता है तुम्हारे इरादे नेक नहीं। क्या मैं